महाराष्ट्र में शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद महाविकास अघाड़ी गठबंधन संकट में आ गया है। विधायकों के ताजा आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो शिंदे के 40 से ज्यादा विधायकों के समर्थन वाले बयान पर अगर भरोसा किया जाए तो शिवसेना के नेतृत्व वाली सरकार अब अल्पमत में आ चुकी है। इस बीच उद्धव ठाकरे ने बुधवार को ही फेसबुक लाइव के जरिए जनता से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने एकनाथ शिंदे के उस आरोप का जवाब दिया जिसमें शिवसेना नेता ने कहा था कि पार्टी हिंदुत्व के रास्ते से दूर हो रही है। ठाकरे ने साफ शब्दों में कहा कि हमने हिंदुत्व के लिए क्या क्या किया है ये भी बताने का समय नहीं है। हिंदुत्व के संबंध में विधानसभा में बोलने वाला मैं पहला मुख्यमंत्री हूं। फेसबुक लाइव के दौरान उद्धव ने कहा कि अगर आप शिवसेना बोलोगे तो शिवसेना और हिंदुत्व आपस में मिले हुए हैं। शिवसेना हिंदुत्व और हिंदुत्व शिवसेना से अलग नहीं हो सकते। हिंदुत्व हमारी सास है और यह बात बाला साहेब ने कही थी। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बाला साहेब की शिवसेना नहीं है। मैंने ऐसे क्या किया कि जो ये सवाल उठ रहे हैं। 2012 में बाला साहेब का निधन हुआ। 2014 में हम अकेले चुनाव लड़े, तब भी हमने जो चुनाव लड़ा था उस समय 63 विधायक जीत कर आए। उद्धव ने कहा अगर मैं अपने ही लोगों को मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं चाहिए तो मैं क्या करूं? मुझे नहीं पता कि वे लोग मुझे अपना मानते हैं कि नहीं। उन्हें मेरे सामने आकर कहना चाहिए था कि आप मुख्यमंत्री पद नहीं संभाल सकते, आपको मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहिए। एक भी व्यक्ति सामने आकर कहता कि मुख्यमंत्री पद से हट जाओ तो मैं हट जाऊंगा। मैं शिवसेना प्रमुख का बेटा हूं, किसी भी तरह का मोह मुझे रोक नहीं सकता। मेरा इस्तीफा तैयार है। शिवसेना प्रमुख ने कहा कि जो विधायक गायब हैं या जिन्हें गायब किया गया है वे सामने आएं और इस्तीफा लेकर जाएं। अगर कोश्यारी बोलेंगे तो भी मैं वहां जाने के लिए तैयार हूं। कोई मजबूरी नहीं है, कोई लाचारी नहीं है। मैं चुनौतियों का सामना करने को तैयार हूं। मुख्यमंत्री पद के लिए जो मैं बोल रहा हूं वो शिव सैनिकों के लिए भी बोल रहा हूं। जिन लोगों को लग रहा है कि मैं शिवसेना प्रमुख के लायक नहीं हूं तो मैं ये कुर्सी भी छोड़ दूंगा। मैं दोनों पद छोड़ने के लिए तैयार हूं। शिवसेना का कोई और नेता मुख्यमंत्री बनता है तो भी अच्छा लगेगा। मुझे वहां से फोन करिए और बोलिए कि आप मुझे नहीं चाहिए, मैं इस क्षण मुख्यमंत्री पद छोड़ने को तैयार हूं। पद आते हैं जाते रहते हैं, जीवन भर की कमाई होती है जो आप कुर्सी पर रहकर करते हैं। जनता का साथ मिला है वही असली कमाई है। उन्होंने कहा कि मुझे अनुभव नहीं था, मैं जिद करने वाला आदमी हूं। अनुभव नहीं भी हो तो भी मैं जिद के साथ काम करने उतरा था। मैंने बाला साहब ठाकरे को वचन दिया था, उसके बाद जो कुछ भी हुआ उस सबको पता है। कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ जाने का निर्णय हुआ। पवार ने मुझसे कहा कि जवाबदारी आपको लेनी होगी। कांग्रेस और एनसीपी के बड़े नेता हैं लेकिन जिम्मेदारी आप नहीं लोगे तो सरकार नहीं चल सकेगी। पवार साहब, सोनिया जी ने मुझ पर भरोसा किया, उनके अक्सर फोन भी आते रहते हैं। उन्होंने कहा कि जिसके पास कोई अनुभव नहीं है उसे इस तरह की जिम्मेदारी देना बड़ी जिम्मेदारी थी। महाड़ से महाबलेश्वर जाने के बीच इतने मोड़ हैं कि राजनीति में उससे भी ज़्यादा घुमाव है। प्रशासन ने भी मुझे सहयोग किया है, मुझे दुख किस बात का है। धक्का लगा है कि कांग्रेस और एनसीपी बोलते हैं कि उद्धव सी अब नहीं चाहिए तो समझ में आता है, पर आज सुबह जब कमलनाथ ने मुझसे फोन किया तो मुझे थोड़ा और धक्का लगा। वीडियो डेस्क, amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।